गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस नए ब्लॉग में स्वागत है। और ये हिसाब किताब का ब्लॉग आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और जैसे आपको पता है कि 10-10 दिन के दो वीडियो पहले मैंने आपको दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं कम बजट में, लो बजट में कैसे ट्रेवलिंग करता हूँ। और उसमें मेरा 10-10 दिन का बात करें तो दोनों वीडियो में कितना खर्चा हुआ, ये मैंने आपको बताया। और यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं दोनों, तो मैं दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो। यदि आप लो बजट में ट्रेवलिंग करना चाहते हैं तो वो लो बजट में ट्रेवलिंग जैसे मैं करता हूँ उस तरह से करके आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी जगह को कम पैसे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मोटिव यही है कि कम से कम पैसे में ट्रेवलिंग करके दिखा कर आप लोगों को, जो ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, उन्हें एक मोटिवेशन मिले। और कहीं ना कहीं मेरा एम जो है, मेरा टारगेट जो है, वो ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म जो है वो बहुत सारी इकोनमी को, बहुत सारे देशों की इकोनमी को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और वो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो टूरिस्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो सभी का यहाँ पर रोज़गार आएगा, और रोज़गार आएगा तो कहीं ना कहीं पैसे से सुख और समृद्धि आएगी। तो ये मेरा एक एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। और टूरिज़्म कैसे बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है घूमने के लिए। यदि घूमने की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो घूमना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बजट जो है वो आगे आ जाता है। पैसा जो है वो, बहुत सारा पैसा चाहिए ये सोचकर हम नहीं घूम पाते हैं। तो मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम पैसे में हम कैसे घूम सकते हैं। तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो कि लो बजट में कैसे ट्रेवलिंग की जा सकती है। और ये तीसरा वीडियो उसी सीरीज का, उसी कड़ी का तीसरा पार्ट है। 10-10 दिन के तीन वीडियो देकर पूरे एक महीने का मैं हिसाब किताब आपके सामने रख रहा हूँ कि एक महीने में हम कम से कम पैसे में कैसे घूम सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको 10 दिन का हिसाब दिया था, और उसमें बताया था कि 10 दिन में मैंने 3,440 रुपये का खर्चा किया था 10 दिन के अंदर। एक दिन की बात करें तो 344 रुपये होता है। और उसी में अगले 10 दिन की बात करें, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने 2,220 में ही पूरे 10 दिन का खर्चा चला दिया था, यानी 222 रुपये पर डे के ये लगे थे मेरे। और उसी में हम यदि बात करें मैं कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने राजस्थान के जयपुर से शुरू किया था, और उस सफ़र को ट्रेन के द्वारा सहारनपुर होते हुए मैं पहुंचा था देहरादून, और देहरादून से दो तीन दिन लगाकर, उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, मैं ऋषिकेश होते हुए हेमकुंड साहब की ट्रैक पे जाने के लिए उस रास्ते पे चला था। और उस रास्ते पे चलते हुए जोशी मठ से आगे मैं बढ़ा था, और हेमकुंड साहब की यात्रा पूरी करके वापस जोशी मठ तक का मैंने आपको हिसाब दिया था। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जोशी मठ से मैं आगे बढ़ा बद्रीनाथ की तरफ। जोशी मठ की से बद्रीनाथ जो है वो तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ होते हुए जाकर मैं तीन दिन वहाँ पर बद्रीनाथ में रुका, और उसके बाद वापस जोशी मठ आया, और वहाँ से ऋषिकेश आया। और ऋषिकेश में दो दिन रुकने के बाद, जोशी मठ में एक दिन रुका और ऋषिकेश में दो दिन रुकने के बाद मैं हिमाचल में मैंने एंट्री किया, पोंटा साहिब। ऋषिकेश से देहरादून होते हुए पोंटा साहिब गया, पोंटा साहिब में एक रात रुका, और वहाँ से सोलन, पोंटा साहिब से सोलन गया नाहन होते हुए, नाहन गया, नाहन से सोलन गया, और सोलन मैंने स्टे किया एक रात का, और सोलन से दो रात के लिए चहल चला गया। तो चहल में मैं दो रात रुका, और यहाँ पर मेरे 10 दिन पूरे हो रहे हैं चहल में। और इस पूरे 10 दिन में, जो मेरा लास्ट का जो 10 दिन है उसकी मैं बात करूँ खर्चे की,
तो मैंने 3,110 रुपये ये 10 दिन में खर्च किया। यदि हम बात करें एक दिन की तो 311 रुपये 10 दिन के हिसाब से हम देखें तो आते हैं, और पूरे महीने की बात करूं, क्योंकि यहाँ मैं अभी बात कर रहा हूँ पूरे महीने की, मैंने 10-10 दिन का तीन जगह मैंने आपको हिसाब दे दिया, और पूरे महीने की बात करूं तो इस पूरे महीने में मैंने टोटल जो खर्चा किया वो 8,770 रुपये का किया, यानी 30 दिन में 8,770 रुपये मैंने खर्च किए। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो 300 रुपये से भी कम का ये खर्चा होता है, क्योंकि 300 रुपये रोज़ का होता है तो तकरीबन 9,000 होता है, ये उससे भी कम है। तो कम खर्चे में लो बजट में हम ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं ये मैंने करके आपको दिखाया है, और साथ में पूरा हिसाब भी दिया है और कहाँ कहाँ मैं गया ये भी मैंने आपको बताया है, और पूरे वीडियो आपको YouTube पे मिल ही रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो ही रहा है कि मैं कहाँ कहाँ घुमा हूँ, कैसा घुमा हूँ। तो यहाँ तक के इस 30 दिन के सफ़र में जो मैंने खर्चा किया वो मैंने आपको बताया। इसमें यदि आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके मेरे से सवाल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए और आपको कहीं ना कहीं घूमने में आसानी हो, इसीलिए ये मैंने पूरी सीरीज बनाई है। और आपका सवाल है तो आप करेंगे तो आपका और डाउट क्लियर होगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ भी डायरेक्ट DM करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया। और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करके जाएँ, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आगे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।